हेलो एवरीवन। हेलो ध्रुव, संस्कार, श्रावणी, सोहम, वरदा, कैसे हो सभी लोग? सर आई एम फाइन। आई एम फाइन। फाइन सर। सर आई एम फाइन। ओके गुड। आई एम फाइन सर। ऑडिबल। आई एम ऑडिबल टू यू ना? यस यस सर। यस सर। ओके गुड गुड वेरी गुड। ठीक है, तो देखो फर्स्ट टेस्ट कंप्लीट हो गया आप लोगों का। सोहम तुमने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। वेरी गुड, 78 मार्क्स है सोहम के थैंक यू टोटल। सर। हाँ, विच इज अ क्वाइट गुड स्कोर। मतलब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अबव 60% स्कोर करते हो तो इट इज कंसिडर्ड एज अ गुड स्कोर। ठीक है, तो 50% से कम मार्क्स हैं तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आपको थोड़ा और प्रैक्टिस और थोड़ा सिंसियर होने का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ओके। तो पेपर डिस्कस करते हैं पहले हम लोग। पेपर में कुछ डाउट्स होंगे तुम लोगों को, नहीं है तो ये तो बेस्ट है, लेकिन डाउट्स हैं तो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। ओके, सो एवरीवन एबल टू सी द स्क्रीन? यस ओके क्लियर, गुड। सो क्वेश्चन नंबर 51, 51 में डाउट है बोलो। 51 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, एनी डाउट? अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्कशन? डिस्कशन का मीनिंग ये है कि आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बताओ। कोई क्वेरी है यू कैन टेल, कोई और मेथड माइंड में आ रहा है तो भी आप बोल सकते हो, किसी और रिलेटेड कुछ डिस्कस करना है तो भी आप बता सकते हो। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 51, एनी डाउट? यस सर। ठीक है, ओके। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। क्लियरली एक्स इज इक्वल टू, ध्रुव टेल मी द नंबर ऑफ विच स्क्वायर इज 9 थ्री एंड -3 ऑल्सो। बेटा -3 × -3 भी कितना होता है? नाइन हाँ, तो ये पता होना चाहिए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स इज इक्वल टू 3 और एक्स इज इक्वल टू -3, बोथ आर पॉसिबल बट दिस इज गिवन। एक्स इज अ, अरे क्वेश्चन रीड करो राइट में। एक्स इज अ, नेगेटिव हाँ, देन यू विल यूज -3। एनी डाउट? नाउ क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड आउट एक्स टू द पावर 5, सो -3 टू द पावर 5 विल बी। तनुज क्या डाउट है बोलो? सर -243। हाँ वो तो है। तनुज यू डू यू हैव एनी डाउट? सो फाइनल आंसर इज -243। क्लियर, सो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। ओके, सर ऑप्शन बट बी। वी हैव गिवन आंसर ओके डी। ओके 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 ठीक है, तो ये करेक्शन है एक्चुअली। ऑप्शन शुड बी आंसर बी। ठीक है, तो मैं ये करेक्शन करता हूँ पेपर में अभी। ठीक है, यस जिन्होंने बी ऑप्शन टिक किया उनका करेक्ट आंसर है। हाँ ओके, सो ऑप्शन बी विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, ये करेक्शन अभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 52 में डाउट है बोलो। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 इज एक्स इज इक्वल टू 2√6 एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एक्स क्यूब। सो एक्स क्यूब इज एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। क्लियर, 2 × 2 × 2 8, √6 × √6 6 एंड रिमेनिंग इज √6। सो फाइनली आंसर इज 48 √6। ऑप्शन पार्टा ऑप्शन को सी। अरे ये वॉल्यूम क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, ए प्लस बी इज इक्वल टू 4, ए इंटू बी इज इक्वल टू 2 एंड फाइंड आउट ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, ये क्वेश्चंस क्लास में किए थे हम लोगों ने, सिंपली स्क्वायर बोथ साइड्स. सो दिस विल गिव ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16. राजवर्धन बेटे नॉइज आ रहा है आपके बैकग्राउंड से, तो म्यूट करके रखो. ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर व्हिच इज 16. क्लियरली क्लियर. एंड ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ab इज गिवन एज 2. 2 into 2, 4. Now using transposition, take 4 on the right side, you will get minus 4. And 16 minus 4 is 12. So final answer is option C. Question number 54. Any doubt? क्वेश्चन नंबर 55 में डाउट है बोलो. क्वेश्चन नंबर 55 इज 2a अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन 4a होल स्क्वायर. फाइंड आउट कॉन्स्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन. सो दिस इज a माइनस b होल स्क्वायर. यू विल राइट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a एंड b सेकेंड नंबर. एनी डाउट? दिस इज 4a स्क्वायर अपॉन 9, दिस इज 9 अपॉन 16a स्क्वायर एंड दिस इज 2 इंटू 2a. 4a कैंसिल. एंड 3 एंड 3 ऑल्सो कैंसिल. सो दिस इज माइनस 1. To find out constant term in the expansion, option will be, bolo? Option B. Option B, minus 1 will be the answer. Next question, question number 56. 56 bhi dekh lete. 2A plus 3B is equal to 6. A into B is given as 2. And finally, we have to find out 4A square plus 9. B square. Simply square both sides. So after square you will get 4a square plus 9 b square plus 2 times first term into second term is equal to 6 square. 36. What is the value of this portion? Batao. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन 57 डिस्कस करते हैं. 57 इज 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 6, a इनटू b इज इक्वल टू 2 एंड वी हैव टू फाइंड आउट 2a प्लस 3b. अगेन यू विल यूज दिस फॉर्मूला, a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स फर्स्ट टर्म इनटू सेकेंड टर्म. अरे कोई डाउट है तो बोलो यार. नो सर. क्लियरली 2a प्लस 3b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस 3b होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स फर्स्ट नंबर 2a सेकेंड नंबर 3b. 2a माइनस 3b इज 6, 6 स्क्वायर 36. दिस इज 4 इंटू 2 8 इंटू 3 24. AB is 2. So 36 plus 48. What is the value of 36 plus 48? 84. Exactly. ठीक है. So 2A plus 3B whole square is equal to 84. So 2A plus 3B is equal to clearly square root of root 84.
हाँ एंड 84 इज 4 इनटू 21 यस और नो यस यस एंड व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 एंड 21 ऑब्वियस नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर यस तो फाइनल आंसर इज 2 रूट 21 ऑप्शन सी हाँ any doubt no sir question number 58 mein doubt hai bolo no sir what is a minus b whole cube tell me the formula of a minus b whole cube dhruv tum batao a square minus 2ab are nahi beta cube hai ye cube this is cube not square सर कैन आई टेल हाँ बताओ ए क्यूब बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इन ब्रैकेट ए माइनस बी करेक्ट सो क्लियरली टू ए माइनस बी होल क्यूब विल बी टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री टाइम्स फर्स्ट नंबर टू ए नंबर इनटू सेकंड नंबर हाँ इनटू फर्स्ट माइनस सेकंड यस So this is 80 cube minus b cube 3 into 2 6ab in bracket 2a minus b option b b option correct okay yes sir question number 59 ye bhi hum logon ne class mein kiya tha a plus b plus c is equal to 4a square plus b square plus c square is equal to 6 and we have to find out ab plus ac plus bc again simple hai just square yes both sides okay so a plus b plus c whole square is equal to 16 what is a plus b plus c whole square सर कैन आई टेल सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू इन ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ब्रैकेट पेयर्स यस इज इक्वल टू 16 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज 6 गिवन है क्वेश्चन में नाउ यूजिंग ट्रांसपोजिशन टेक 6 ऑन द राइट साइड You will get minus 6. So now 2 times AB plus BC plus CA. The answer is 5. Is equal to 16 minus 6, 10. And finally AB plus BC plus CA is equal to 10 upon. Sir, answer is 2. 10 upon 2. So 10 upon 2 is 5. 5. This is the answer. Option B. B option. Correct answer. Okay. Any doubt? Question number next 60. राजवर्धन तुम्हारे बैकग्राउंड से बहुत नॉइज आ रहा है यार फिर मैं को म्यूट करता हूँ फिर तुम्हें परमानेंटली बोलो क्वेश्चन नंबर 60. A plus B is equal to 4. A into B is equal to 2. And we have to find out A cube plus B cube. So you will use this formula a plus b whole cube. What is a plus b whole cube? A cube plus b cube plus 3ab in bracket a plus b. ये questions किए थे हम लोगों ने class. We have solved this type of question. So a plus b is 4. 4 cube is 64. A cube plus b cube 3 times. AB is 2. So this is 3 into 2 and a plus b is a plus b is 4 again. So what is 3 into 2 into 4? 24. Exactly. Now using transposition, take 24 on the left side, you will get minus 24 and 64 minus 24. Answer is 40. Option C. C. Correct answer. बोलत नाही
61 डिस्कस करते हैं. ए माइनस बी इज 6, ए इंटू बी इज 2, एंड वी हैव टू फाइंड आउट ए क्यूब माइनस बी क्यूब. यू विल यूज दिस फॉर्मूला, यस और नो? So what is a minus b whole cube? Who will tell? So a minus b whole cube is equal to a cube minus b cube minus 3ab and in bracket a minus b. Correct. Just values put karo, ho gaya question. 6 cube, 216. A cube minus b cube minus 3. A into b is? And a minus b is? 3 into 2 into 6 is? 36. So finally, a cube minus b cube is? plus 36. So what is the answer? Thank you. 252. Option? D. Correct. D. Question number 62. A plus B is 4. A into B is 2. And we have to find out A cube minus B cube. First we need to calculate. We need to determine A minus B. So. हाँ बोलो. So I have. हाँ बोलो बोलो क्या बात है बोलो. सर इन क्वेश्चन नंबर 61 दैट व्हिच इज इक्वल टू 216 इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इनटू मींस 36 सो दैट 216 व्हेन डन ट्रांसपोजिशन इट विल बी माइनस 216 नो बेटा आई एम नॉट टेकिंग 216 ऑन द राइट साइड आई एम टेकिंग दिस माइनस 36 ऑन द लेफ्ट साइड. So it will be like this 216 plus 36 is equal to a cube minus b cube. Okay. Yes sir. अभी ये बताओ 2 is equal to 4 or 4 is equal to 2 same or different? Same. So you can write a cube minus b cube is equal to 252. Clear? Yes, okay, sir. Okay. So next question is a plus b is equal to 4, a into b is equal to 2, and we have to calculate a cube minus b cube. अब देखो last question थोड़ा सा observe करो 61. You have to calculate a cube minus b cube, and information is given about a minus b. Yes. But in this question 62, information is given about a plus b, but we need a minus b. So a first you will calculate a minus b. Okay, so clearly a minus b whole square is equal to a plus b whole square minus 4ab. A plus b is 4 square, yes, 16, and 4 into 2 8. So eight. A minus B will be root 8. Now we have to calculate A cube minus B cube. You will use this formula. Now this is similar to question number 61. Okay. So A minus B whole cube is equal to A cube minus b cube minus 3ab multiply with a minus b. Okay, 8 is 4 into 2, yes or no? Yes. And square root of 4 is 2 root 2. This is 2 root 2. Now this is 2 root 2 whole cube is equal to a cube minus b cube minus 3ab is 2 and a minus b is 2 root 2, yes or no? Yes. What is 2 root 2 whole cube? Whole cube matlab
3 times multiplication. 2 root 2, 2 root 2, 2 root 2. 2 into 2 into 2. 8. 8. And root 2 into root 2? Sir, 16 root 2. Exactly. So this is 16 root 2. Is equal to a cube minus b cube. This is 3 into 2. 6 into 2. 12. Final answer is, now using transposition, take this minus 12 root 2 on the left side. You will get plus 12 root 2. Exactly. And 16 apples plus 12 apples. 28. This is the answer. Clear? Yes. Option C. Correct. Now question number 63. ये तो आप लोगों ने सॉल्व किया होगा यार, ये मैंने बताया था आपको. X to the power 4 minus. This is square of. And this is square of. X square. Now this is similar to a square minus b square equals to a plus b multiply with. Are yaar bolo, tell, any doubt? No sir. Now this is x square minus y square will be x plus y multiply with x minus y. Now question read karte hain. Which of the following will not be the factor? Option A, x square plus y square factor hai iska. Option B bhi factor hai, option C bhi factor hai. So yes. Final answer is option. None of these. None of these. Because, D. Haan sir, D. Okay, 64. Which of the following will not be the factor of x to the power 6 minus, so this is square of, y to the power 3. Exactly. Minus. Now again, this is similar to a square minus b square equals to first plus second multiply with first minus second. Now this is a cube plus b cube. Who will tell the formula of a cube plus b cube? बताओ सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हेलो इज इक्वल टू ए प्लस बी इन ब्रैकेट एंड सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट. करेक्ट है. एंड व्हाट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब? क्यूब माइनस बी क्यूब इट इज द सेम थिंग. ए माइनस बी मल्टीप्लाई विद ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. Okay, now similar to this expression, x cube plus y cube will be x plus y multiply with x square minus xy plus will be x minus y x square plus xy plus y square. देखो इसको तो मैं बोला था लास्ट टाइम पे आपको लर्न करने के लिए. एंड ए क्यू प्लस बी क्यू फर्स्ट प्लस देन माइनस माइनस बी क्यू फर्स्ट माइनस देन प्लस. नाउ क्वेश्चन रीड करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी द फैक्टर? ऑप्शन ए एक्स प्लस वाई फैक्टर है इसका. ऑप्शन बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये भी फैक्टर है. ऑप्शन सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये भी ऑप्शन है. सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी. राजवर्धन एनी प्रॉब्लम? नो सर. सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी. यस. Now question number 65. Question number 65 is using property a plus b into a minus b square, all knows about that. Calculate the value of m where this is equal to this. Okay. ये काफी classic question है. ये solve किया किसी ने? बोलो sir. नहीं sir.
देखते हैं, ठीक है, थोड़ा केयरफुली समझना है ना, अदरवाइज तुम्हें प्रॉब्लम आएगा इस क्वेश्चन में. This is the question, okay? And you have to calculate value of m. Done. Okay. देखो करते क्या है ना, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो 2 माइनस 1. What is 2 माइनस 1? 1. हाँ, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट आता है क्या, बताओ? Sir. Now this is a minus b into a plus b. What is a plus b into a minus b? A square minus b square. 2 square minus 1 square. And 1 square is? 1. Now again this. A plus b into? बेटा यहाँ पे एक रिएक्शन टाइप का स्टार्ट हो गया है. आपने जस्ट 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 2 स्क्वायर माइनस 1. अभी देखो ये भी कन्वर्ट होगा. दिस इज ऑल्सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. यस और नो? यस. सो व्हाट इज 2 स्क्वायर स्क्वायर? 2 टू द पावर 4 एंड माइनस 1 स्क्वायर व्हिच इज 1. नाउ दीज टू टर्म्स अगेन ए प्लस बी मल्टीप्लाई विथ a minus b will be equal to a square minus b square. So 2 to the power 4 square. कितना आता है बोलो? 2 to the power? Power 8. Again, ये भी multiply होगा. 2 to the power? 16 minus 1. Any doubt? हाँ, अब ये observe करो. देखो, यहाँ पे ये observe करो. Before 2 to the power 8 plus 1, 2 to the power 8 minus 1 is available. Yes or no? Yes. Similarly, for this, 2 to the power 64 minus 1 will be available. Yes or no? Yes. And this yes. will be again a square minus b square. So 2 to the power 64 square, 2 to the power 128. Minus 1 square, yani ki 1. Ab ye compare karo. Clearly, m is equal to 2 to the power 128 minus. It is just 128. Just 128. So what is the value of m? The value of m is 128. Any doubt? सर, कैन यू एक्सप्लेन अगेन? क्या डाउट है बोलो? टेल मी द डाउट. सर, नथिंग सर, आई अंडरस्टूड सर. अरे नहीं है, ऐसा नहीं है, बताओ. मैं डांट नहीं रहा हूँ तुम्हें. नहीं नहीं सर, मैं डांट नहीं रहा हूँ, मतलब मैं एक्चुअली जस्ट आई वांट टू आस्क कि किस स्टेप में डाउट है वो बताओ. तो वो क्लियर नहीं है. मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं तुम, ये बताओ a to the power m bracket 10, this is clearly a to the power m n, yes or no? Yes. So 2 to the power 64 square, this will be 2 to the power 64 into 2. 64 into 2 and 64 into 2 is 128. हाँ, ध्रुव क्लियर है अभी? सर, आप फिर भी एक बार समझ. चलो फिर से देखते हैं, फिर से एक्सप्लेन करते हैं. क्वेश्चन इज 2 प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 टू द पावर 4 प्लस 1, 2 टू द पावर 8 प्लस 1, डॉट डॉट डॉट, ये सारे टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं. Yes. Up to 2 to the power 64 plus 1 and this expression equals to this. Ye question given hai aapko. Then you have to find out the value of m. So sir, then why don't we multiply all of this? Tum kar do, tum multiply kar sakte ho ye sab, batao.
नहीं सर बहुत देर लग जाएगा तो इसीलिए तो नहीं कर रहे समझे ओके भाई ऑब्वियस ही बात है ना यार ये क्वेश्चन सपोज करो केवल इतना होता तो नहीं माइंड यूज करते दिस इज थ्री यस दिस इज फाइव दिस इज 17 एंड दिस इज 33 यस तो ये तो मल्टीप्लाई कर सकते हो ना आप यस सर दैट विल नॉट हाँ बट क्वेश्चन इज नॉट लिमिटेड टू फोर टर्म्स क्वेश्चन इज पता नहीं काफी सारे टर्म्स हैं इसमें और यहाँ तक है क्वेश्चन तो तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो तो कर लो मैं मना नहीं कर रहा हूँ सर पर पूरा दिन लग जाएगा हाँ तो यार तो पूरा दिन नहीं लगाना ना हम लोगों को यस हाँ अच्छा डाउट था वैसे ठीक है सो व्हाट आई एम डूइंग इज जस्ट मल्टीप्लाई दिस एक्सप्रेशन विद द लास्ट एक्सप्रेशन नहीं नहीं टू माइनस वन से मल्टीप्लाई कर रहा है ओके यार तुम लोगों ने वो न्यूक्लियर रिएक्शन का वीडियो देखा है कभी एटॉमिक बम वगैरह फॉर्म्स में तो वहां पे एक पार्टिकल इससे हिट करता है फिर यहाँ से टू और थ्री पार्टिकल्स निकलते हैं वो अदर से हिट करते हैं और फिर काफी सारे पार्टिकल निकलते जाते हैं यही होता है ना यस सर सो देन द फर्स्ट पार्टिकल कम्स एंड अगेन हिट्स द लास्ट वन So first particle is like 2 minus 1 here. Now okay. 2 minus 1 into 2 plus 1 is a square minus b square. Yes or no? Yes. Group doubt hai koi abhi batao? No sir. So this is 2 square minus 1. Beta 1 square nahi likhte hain kyunki 1 square 1 hi hota hai. Now this. Batao kya aayega 2 to the power? 4. अगेन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर व्हाट इज टू स्क्वायर स्क्वायर बोलो टू रेज टू फोर माइनस वन स्क्वायर इज वन नाउ दिस टू टू द पावर एट माइनस वन नाउ दिस टू टू द पावर सिक्सटीन माइनस वन सारे टर्म कंज्यूम होते जा रहे हैं देख रहा है सारे टर्म हटते जा रहे हैं just because of this particle okay similarly you will get 2 to the power 64 minus 1 yes or no yes sir and this will be 2 to the power 128 minus 1 now compare these two terms compare karo just clearly m is equal to 128. Sir, but then what about the previous terms? Beta, ye consume ho gaya na. 2 minus 1 kitna hota hai, bolo? 1. Haan, kya naam hai aapka? Viraj. Viraj, Viraj ye batao, Viraj into 1 kitna aata hai? Viraj. Haan, to 1 ki multiplication ka koi effect nahi hota. Yes. 5 into 1? 100 into 1 समझ आया यस सर देखो एक्चुअली होता क्या है ना कि आप जो टर्म मल्टीप्लाई करते हो उसे डिवाइड भी करते हो साइमल्टेनियसली But 2 minus 1 is 1. Again one. Dividing 1. So, ye koi effect aayega kya bolo? No, sir. Viraj no. upon 1. Sir, it will be Viraj. Same. Viraj. So, multiplication 1 and dividing by 1 will not create any effect. Okay? Okay. Dhruv, abhi clear hai? Yes, sir. Any doubt? Okay, next question 66. 66 discuss karte hain. Okay, this PDF I will upload on the group. ठीक है आप देख सकते हो फिर वहां पे further reference आपको चाहिए तो x plus y plus z is equal to 0 and we have to calculate x square plus xy plus
y square. Okay. Just using transposition, take this z on the right side. You will get x plus y is equal to. Minus it. Minus it. One. Okay. Now square both sides. Now square both sides. So x plus y whole square is equal to minus z square. What is minus z square? Minus z into minus z. Okay, minus into minus plus. So this will be z square. Clear? Okay. And this is x square plus 2xy plus y square. Any doubt? No sir. So, acha, okay, one more point. This is x square plus 2xy plus y square is equal to z square. And 2xy can be written as xy plus xy. Yes. Yes sir. And take this xy on the right side using transposition. So final answer is x square plus xy plus y square is equal to z square minus xy. Option. Option. C. Option C. Clear? Yes, sir. Sir, your voice is not clear. हाँ क्या हुआ बोलो? सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा था पर अभी आ रहा है पीछे कोई टाइपिंग का साउंड आ रहा था. हाँ यार ये पता नहीं है किसी स्टूडेंट के बैकग्राउंड से कंटिन्यूस नॉइज आ रहा है. चलो ये अभी क्लियर हो गया ना? यस सर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 डिस्कस कर. 67 तुम खुद बताओ क्या आंसर आएगा. 67 अपने आप से ट्राई करो एक बार. 67 बोलो. One minus x raised to 16. Correct है. This question is as similar to question number 65. Sir अभी हमने solve किया. Exactly. देखो ये वो particle है starting वाला particle. हाँ हाँ. ये right side में लिखा हुआ है जैसे. तो ये हो गया 1 plus x into 1 minus x. 1 minus x square. हाँ yes. And 1 minus x square into 1 plus x square. 1 minus x to the power 4. Yes. And 1 minus x to the power 4, 1 plus x to the power 4, 1 minus x to the power 8. Yes. Yes. And finally will be minus x to the power 16. Option second B option 68 discuss kar. Question number 68 is a square plus b square is equal to 10. A square plus 1 upon A square. A square plus B square is equal to 117. A yes. Is 54. And we have to calculate A plus B upon. Plus B upon A minus B. A minus simple B. Question hai, simple question hai. First you will calculate A plus B and then you will calculate A minus B. So A plus B whole square is A square plus B square plus 2ab 117. This is 108. Yes or no?
This is 289. अब तुम बताओ 289 is a square of 17 plus b is equal to 17. What is a minus b whole square? A square plus b square minus 2ab. So 117 minus 108. This is 9. So a minus b clearly is 3. Answer is b. नहीं बी तो नहीं आएगा. We have to divide it, right? But 17 upon 3. Sir, 5.1. अच्छा यार ये mistake हो गया थोड़ा actually. यहाँ पे ये 225 आएगा. देखो calculate करके. 225. हाँ. And this is 15. So answer is 15 upon 3 will be 5. Option B. अच्छा question. 69 discuss करते हैं. 69 तो यार काफी simple question है. हो गया होगा easily. Is equal to 10 and we have to calculate a to the power 4 plus 1 upon a to the power 4. Just a square. Both sides. Exactly. So this is a to the power 4 plus 1 upon a to the power 4 plus 2 first term into second term. 100. Done. Is equal to 100. A to the power 4 plus 1 upon a to the power 4 is equal to 2 in 98. 100 minus 2, which will be 98. Option B. Option B. Huh. Clear? 6. Question number 71. Yes. X plus 1 upon X is equal to 3 and we have to calculate X cube plus. Sir, आपने 70 नहीं solve. क्या हुआ? 20 question नहीं solve किया. नहीं sir. अच्छा ओके 70 रह गया क्या? ठीक है मुझे लगा एक्चुअली दोनों सिमिलर एक्स नहीं दिख रहे क्या? ठीक है तो ये मिस हो गया था. ठीक है कर लेते हैं 70 कर लेते हैं. यस क्वेश्चन नंबर 70 काफी अच्छा क्वेश्चन है. ए टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1153 देन यू हैव टू कैलकुलेट ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब. बेटा एक क्वेश्चन करवाया था क्लास में. देखो ये लास्ट लेक्चर के नोट्स ये हैं, दिख रहे हैं आपको? तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन सॉल्व किया था हम लोगों ने, बिल्कुल लास्ट में किया था. तुम लोग नोट्स ही नहीं पढ़ते हो यार. सी दिस क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है. यस सर. See this question. Exact same question है, बस 47 के place पे क्या है यहाँ पे देखो 1154. हाँ start करते हैं. First you will consider a square plus 1 upon a square whole square. Any doubt? No. This will be a to the power 4 plus 1 upon a to the power 4 plus 2 times first number into second number. Cancel. This is 1154 plus 2, 1156. Six. Now tell me square root of 1156. Karo, jaldi se calculate karo. Sir, 34. Correct. Very good.
34. Now consider a plus 1 upon a whole square. अच्छा ये consider क्यों कर रहे हैं? क्योंकि obvious ही बात है, a square yes. plus 1 upon a square is a part of a plus 1 upon a whole square. Yes. So this is a to the a square 1 upon a square 2 times first number into second number. So that yeah. cancels and then we are left with 36. So clearly a plus 1 upon a is equal to 36 square root. Square root. So that is 6. That is 6. Done. Okay. Yes. And now we are going to make a cube plus 1 upon a cube. Okay. ठीक है. And for this, you will consider this. Yes or no? Yes. That is first cube, second cube. Plus 3 into first number into second number is equal plus 3 into first number into second number. A and A cancel. Okay. Done. A plus 1 upon A is 6. So then 6 cube is? 6 cube is 216. So 216 is equal to a cube plus 1 plus upon 3 into 6. Correct? Plus 3 into 6, yes. So a cube plus 1 upon a cube is equal to 216 minus? Minus 18. This is? Which is equal to 198. This is the final answer. Sir, this is a quite interesting and easy question. ये सारे questions अच्छे हैं. ये पूरा portion interesting है. Basic formula and identities. Yes. अभी इसमें काफी और interesting questions आने वाले हैं. ठीक है, बस mind में ये रखना. This is first number. This is second number. Okay. Yes. Now question number 71. X plus 1 upon x is equal to 3. And we have to calculate finally x plus 6 plus 1 upon x is to 6. Sir, we have to use the cube formula. The cube formula will be used actually. Third one. Square bhi use hoga, cube bhi use hoga. Because this is cube of? Haha, yes, right. X square and this x is cube of 1 upon x square. But iske liye pehle x square ke bare mein to knowledge hona chahiye na. Haan. So first you will do. We will start with square formula. Exactly. So square. X square plus 1 upon x square plus 2 times square. First number into. First number into second number. Cancel x to? And x is equal to 9. So x square plus 1 upon x square is equal square to. Is equal to 7. Any doubt? No. No, sir. Now cube. Huh. Now cube. Correct? Yes, sir. So again, this will be a plus b whole cube. Hmm. Okay. So what is a plus b whole cube? A cube? A cube plus b cube. Plus? Plus 3 times. 3 times. A first number into second number. Into in bracket first number plus second number is equal to 7 cube 7 cube 7 cube ah 7 cube and 7 cube is 343 x square cancel this is 7 that is 7 3 into 7 21 minus 43 minus 21 answer is which is equal to 322. Option D. Answer again. Yes, sir. काफी easy. यार काफी easy attention मतलब तुम्हें समझ में आने लग गया है ना तो easy है.
स्टार्टिंग लेक्चर से प्रॉब्लम. सर मुझे क्वेश्चन 70 किधर गया वो 72 में जरा प्रॉब्लम आ गया. हाँ 72 डिस्कस करते रुको अभी. 72 या तुम्हें 72 में प्रॉब्लम है क्लियरली इंडिकेट्स तुमने नोट्स नहीं पढ़े थे. देखो ये दिखा था 72 यहाँ पे सेम पैटर्न है. दिस फॉर्मूला वी हैव गॉन थ्रू इन लास्ट लेक्चर. यस और नो? यस सर. बेटा ये तुम्हारा ही लेक्चर है ये और किसी क्लास का नहीं है. हाँ वी हैव टू फाइंड पेयर्स. हाँ नहीं कुछ भी नहीं करना. दिस इज फॉर्मूला एंड इन द 72 नंबर क्वेश्चन ए प्लस बी प्लस सी इज गिवन. देखते हैं क्या गिवन है वहां पे. देखते हैं रुको 72 ये रहा. ओके ए प्लस बी प्लस सी गिवन. यस एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज आल्सो गिवन. दिस इज आल्सो गिवन. यस एंड यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लेफ्ट साइड. यस हाँ तो सिंपल है क्वेश्चन ये. ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई विथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए. तो बेसिकली वी नीड दिस वी नीड दिस एंड वी नीड दिस. यस और नो? यस यस. ए प्लस बी प्लस सी इज 11 11 दिस इज 20 माइनस कॉमन देन 20. हां यस. एंड फॉर दिस यू विल कंसीडर दिस. यस और नो? यस. First write squares, then two times pairs. Yes or no? Yes. This is 11 square. 11 square 1 to 1. This is 20 cool. Into 2. 40. And this is, this we have to find out. Actually find nahi karna hai, iska need hai hum log. 121 minus 40. 71. Ho gaya question solve. This is 71. So final answer is 11 in bracket. Arey yaar bolo. 71 minus 71 minus 20 11 into 51. What will be the final answer? 5561 561 option. Achha, option hi nahi hai isme. हाँ, सर आई थिंक इट इज नहीं सर ऐसा ऑप्शन नहीं. वो चेक करते हैं फिर से. वन मिनट. ए प्लस बी प्लस सी इज 11 11 स्क्वायर 121 ठीक है. दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स पेयर्स एंड दिस इज 20 इनटू 240. नाउ यूजिंग ट्रांसपोजिशन टेक दिस ऑन द लेफ्ट साइड 121 माइनस 40 and this is kitna aayega ye yaar. This is 81 actually. Beta tum log focus karo thoda yahan pe theek hai. Yes sir. So then it will be 61. Kai baar ho jata hai mujhse bhi mistake ho jata hai kai baar. So this is 81 actually theek hai. Yes. So this is 61. And multiplication. So then the answer will be 671. 671. Option. C. C. Correct? Yes, sir.
तो यार काफी सिंपल और स्वीट क्वेश्चन है सारे। 73 इज 2a माइनस 1 अपॉन 2a इक्वल्स टू एंड वी हैव टू फाइंड आउट 16a टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन 16a टू द पावर 16a टू द पावर 4। क्लियरली आप 2 टाइम्स स्क्वायर करने वाले हो है ना? यस। स्क्वायर व्हाट विल बी द स्क्वायर? 4a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू 9। ओके 2a 2a कैंसिल। हां सो 4a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 2 इज 11। देखो यहां पे कई सारे काफी स्टूडेंट्स हैं और केवल 2 स्टूडेंट्स रिप्लाई कर रहे हैं सो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। और भी स्टूडेंट कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो ना? ठीक है मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि माइक ऑफ करके रखो, ऐसा नहीं है, बस कोई नॉइज हो तो तब म्यूट कर लिया करो, अदरवाइज आप अपना माइक ऑन रख सकते हो। सर मेरे इधर से फैन का आवाज आ रहा है क्या? सर विद्युत बोल रहे हो क्या? नो दिस इज विराज। विराज नहीं, कोई साउंड नहीं आ रहा है। ओके ओके देखो इट इज पॉसिबल कि मैथ्स और केमिस्ट्री लेक्चर में आपको बोला हो कि अपना माइक ऑफ रखने के लिए, ऐसा बोला था क्या सर लोगों ने? नो। ठीक है मैथ्स में ऐसा नहीं है, तुम माइक ऑन रख सकते हो, चलता है, क्योंकि यार मैथ्स डिस्कशन का सब्जेक्ट है, जितना डिस्कशन करोगे आप उतना इम्प्रूव होगा ये, है ना? यस सर। 4a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 11 देन अगेन स्क्वायर बिकॉज़ वी हैव टू गो So 1 a to the power 4, okay? Again so square. So we put all of this in bracket square. 16 a to the power 4 plus 1 upon 16 a to the power 4. 16 to the power 4. Plus 2 times first number into second number. Huh? Is equal to? Equal to 1 to 1. Cancel out. Cancel out. Take this on, take 2 on the right side, minus 2. Minus 2. And 121 minus 2. 119. This is the answer. Option? Option B. Ha. Sir. Ha, bolo. Sir, now while we are solving this two into first number into second number almost always gets cancelled. हाँ, almost always. Actually देखो होता क्या है ना बेटा, तुम एक pattern थोड़ा सा understand करने का try करो. देखो like question number 68. Here two informations are given. A into B is also given. Yes or no? Yes. But in question 69, A into B is not given. Yes sir. Because requirement नहीं है, क्योंकि a into b में a square cancel हो जाएगा। Yes। हाँ, तो इस type के जो questions होते हैं ना, जहाँ पे cancellation होता है, वहाँ पे multiplication question में provide नहीं करते हैं। Now question number 74। ये क्या होगा आप लोगों ने? 74। Yes sir। 74 में doubt है बोलो। चलो 74 डिस्कस कर लेते हैं को जल्दी से, ये डिस्कशन कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 74। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एक्स expression this at a is equal to 1 and b is equal to -1 to yahan pe put karo a cube 1 cube is 1 then yes sir 1 square is 1 and this is -1 yes or no
So this will be minus 48. Okay. 1 square is 1 and this is minus 1. So this is minus 12. And minus 1 cube. What is minus 1 cube? Minus 1. 100%. So this is 64 minus 61. Actually यार इस क्वेश्चन पे मिस्टेक है, पता है मिस्टेक क्या है ना, देखो ध्यान से देखो थोड़ा सा केयरफुली, ये दोनों सेम ही हो गए, ए स्क्वायर भी ए स्क्वायर भी। एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐसे होता तो बेटर था, ए बी स्क्वायर शुड बी देयर, व्हाट शुड बी देयर, ए बी स्क्वायर, देन इट इज 1 एंड इट इज माइनस 1 स्क्वायर, व्हाट इज माइनस 1 स्क्वायर, माइनस 1 प्लस वन, मिटा प्लस वन, माइनस इनटू माइनस प्लस होता है ना, हाँ, तो दिस इज 12, तो दिस इज 76 माइनस 49, एंड दिस विल बी 27, ऑप्शन 27, ऑप्शन सी, नेक्स्ट 75, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इफ दिस इज डिवाइडेड बाय दिस क्योंकि मैंने जब ये सॉल्व किया तो मेरा आंसर 3 आया, मैं सोच रहा था ये कहाँ गया आंसर, इतना बड़ा डिफरेंस कैसे है। अच्छा ऐसा कभी लगे ना तुम लोगों को तो बेटर होगा उसी इवनिंग को मेरे को व्हाट्सएप करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, सो 75 इज दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, क्लियर, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेयर ए इज 5x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2 एंड बी इज 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, एनी डाउट, नो सर, a square minus b square is a plus b multiply with a minus b, what is a plus b, a plus 9x square, yes, then 9x square 9 9x then 9 यार ऐड करना आता है ना आप लोगों को, यस सर, है हाँ, एंड व्हाट इज ए माइनस बी, ए माइनस बी इज साइन विल गेट चेंज्ड, यस और नो, यस, 5x स्क्वायर माइनस 19x, इट विल बी x स्क्वायर प्लस 19x एंड माइनस 5 Okay, you can see 9 is present in all these terms, in all three terms. Yeah. So 9 can be taken as common. So this is 9 times x square plus x plus 1. Yes or no? Yes. Now question read karte hain aage bhi. So this expression is divided by x square plus x plus 1. This gets cancelled. Finally, so, remaining is 9 times, x square plus 19x minus 5. This will be quotient. This will be quotient. Ah, yes. And remainder is? Zero. And remainder is? Nothing. Nothing. Because division ho gaya na wahan pe. Division nahi hota hai, tab remainder aata. Sir, then option B should come, na? Option B, exactly. Sir, then it says correct answer is option C. Both are... No. Sir, then this is another question error. This is another option error actually. Answer will be B. This is not question error, this is option B. Ye correct hoga question. Yes. So, sir, do we get bonus marks here? No. Ye bonus nahi hone wala, beta. Isme answer B correct hai. Sir, I have written B. Can I get marks?
100% प्लस 5 होगा आपका, क्योंकि माइनस 1 भी हुआ होगा ना पहले. हाँ सर. हाँ तो इसमें प्लस 5 होने वाला है. ओके ओके. सो 75, दिस इज आंसर बी. एंड क्वेश्चन नंबर 51, इसमें भी थोड़ा करेक्शन था ना. क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 में भी क्या आंसर है? ऑप्शन बी. ठीक है, ये मैं अभी करेक्ट करता हूँ इसमें ना, तो तुम लोगों के मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे जिनका जिन्होंने करेक्ट किया है. क्वेश्चन नंबर 51 आंसर बी. एंड क्वेश्चन नंबर 75 आंसर बी. सर आपको 74 का बोनस मार्क्स. हाँ एक्चुअली बोनस के लिए इसमें डिफरेंट प्रोसीजर है, वो बाद में कर देंगे हम लोग, उसका टेंशन मत लो. ठीक है, तो डेफिनेटली तुम्हारे मार्क्स अभी इम्प्रूव हो गए होंगे. ठीक है, तुम चेक करना तो मार्क्स तुम्हारे इम्प्रूव हो जाएंगे. ओके चलो ठीक है. और कोई क्वेश्चन में डाउट है बोलो. नो सर. ठीक है आगे पढ़ते हैं अभी. स्टार्ट करें. यस. चलो तो देखो लास्ट लेक्चर को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. लास्ट लेक्चर का जो लास्ट पॉइंट था दैट इज यार, आप लोगों को एक क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए बोला था मैंने. दिस क्वेश्चन वाज गिवन टू यू फॉर होमवर्क. Yes or no? Yes. किसी ने कैलकुलेट किया इसका आंसर? इसका आंसर 1 आता है क्या? नहीं 1 नहीं आता. 3 3 विल बी द आंसर. एग्जैक्टली. यार आप लोग नोट्स रीड नहीं करते हो इसका मतलब घर पे जाके, ये अच्छी बात नहीं है. ओके स्टार्ट करते हैं ना. सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई विथ. चलो ये मैं कॉन्सेप्ट फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड ऑल पेयर. ये कॉन्सेप्ट मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, समझने का ट्राई करना. स्टार्ट करें. यस सर. Just one minute.
Okay, so a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. This will be equal to a plus b plus c multiply with a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. Minus ca. Any doubt? No. Okay, ये last time पे prove भी किया था. इन सारे terms को multiply करते हो and finally you will get this expression. Any doubt? No. फिर से प्रूव करके दिखाना है क्या? Sir, I think no need. कर सकते हैं, चलो कर लेते हैं ना, वन मिनट लिया. ठीक है, फर्स्ट यू विल मल्टीप्लाई दिस ए. स्टार्ट करो मल्टीप्लीकेशन. ए क्यूब प्लस प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. नेक्स्ट ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी. बेटे माइनस ए स्क्वायर बी. हाँ, माइनस ए स्क्वायर बी. देन माइनस माइनस ए बी सी एंड माइनस माइनस सी ए सी स्क्वायर सी माइनस सी ए स्क्वायर. हाँ, सी ए. नाउ इट इज टर्न फॉर बी. नाउ इट्स टाइम फॉर बी. स्टार्ट करो. So b cube plus beta first a square b. हाँ, a square b plus b cube then a b square c b square c and last then B C A or A B C. Now turn for C. C. A square C. A square C. Then B square C. Then C cube. Then A minus A B C. Then B C square and C minus square. B C square. And minus c square a. Correct है. अभी देखते हैं यहाँ पे terms cancel out हो रहे हैं क्या. देखो check करो, ये रहा minus, this is plus ac square and minus ac square is ये रहा cancel out. ab square and where is minus ab square? There. Here it is. Cancel. Minus a square b and where is plus a square b? The second row first. Cancel. This is minus a square c. Where is plus a square c? Here. Cancel. This is bc square and where is minus bc square? Here it is. Third row last. This is minus b square c and where is plus b square c? Sir, here it is. Yes. Third row. Exactly. Now terms which are remaining are this term cube, c cube and 3abc. This term and this term. Yes or no? Yes sir. Okay, so finally it is a cube plus b cube plus c cube minus apple minus apple minus apple minus 3 apples. Are yaar minus 3 apples. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Similar to left side expression. Okay? Okay. ठीक है. अब तुम सुनो थोड़ा important point. Note. अगेन ये फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए आप लोगों को, है ना. इम्पोर्टेंट नोट, ये लास्ट टाइम पे भी डिस्कस किया था हम लोगों ने, वही है फर्स्ट पॉइंट.
if a plus b plus c is equal to 0. If a plus b plus c is equal to 0. 0. Then this is 0. Yes. And 0 into anything will be? 3ab. 0. So aq plus bq plus cq minus 3abc will be? 0. aq plus bq plus cq is equal to? 3abc. काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट माइंड में होना चाहिए, समझ गए? अगेन वर्ड्स में याद रखोगे इसे? वर्ड्स में कैसे? फर्स्ट नंबर क्यूब प्लस सेकंड नंबर क्यूब प्लस थर्ड नंबर क्यूब माइनस 3 इनटू फर्स्ट इनटू सेकंड इनटू थर्ड नंबर इज इक्वल टू 0. हां ठीक है. अरे एक वन मिनट थोड़ा बाइक रुको. इफ थ्री नंबर्स आर सच दैट their summation is 0. Their sum is 0. Like A, B, C, summation is 0. Then first number cube plus second number cube plus third number cube will be equal to 3 times A, B, C. First into second into third. Like Viraj, Tanuj और Rajavardhan, इनका summation 0 है. तो Viraj cube, Tanuj cube and R cube will be equal to 3 times Viraj, Tanuj and Rajavardhan. समझ गए? Yes sir. Second possibility. If A cube plus bq plus cq is equal to 3abc. समझ लो यार अच्छे से. इस पे काफी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग अभी, है ना. 6-7 क्वेश्चंस करेंगे जस्ट इन 2 पॉइंट्स के ऊपर. इफ aq plus bq plus cq is equal to 3abc. अब थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करो. aq plus bq plus cq is equal to 3abc. तो 3abc minus 3abc 0. So yes. Possibility 1. No abc. Possibility 1. Is possible कि a plus b plus c कितना होगा? Zero. First point. Yes. And second possibility is all three numbers will be equal. A cube, a cube, a cube and 3AAA क्या आएगा बोलो? A cube, a cube, a cube and 3AAA. This is 3a cube and this is also 3a cube. Huh. Doubt. ये नोट करो, क्वेश्चंस करते हैं अभी. ठीक है, 3-4 क्वेश्चंस करते हैं फिर तुम लोग जा सकते हो. Sir, actually, we had, I think, already noted this in the last lecture. Yes, we have already noted in the last lecture. But आपको learn ही नहीं है वो. आपको जो question homework के लिए बोला था वो भी नहीं करके आए. देखो ये noted है तो last में question भी note होगा वहाँ पे. देखो. मैंने किया था वो. Okay, ठीक है. चलो ये note है already तो फिर से note करने का requirement नहीं है. क्वेश्चन से स्टार्ट करें फिर अभी. क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. एग्जांपल. ओके एनीवन हु इज जिसने नोट नहीं किया एक सब बताओ. ओके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन. a minus b whole cube plus b minus c whole cube
plus c minus a whole cube upon a minus b multiply with b minus c multiply with c minus a. You have to calculate x value of this expression. Again, you will not use the formula of a minus b whole cube. What should be done? Check a minus b. 1 minute. Check a minus b plus b minus c plus c minus a. This summation will be equal to? Zero. Yes. C and C cancel. A and A cancel. And B and B, and B cancel. So this summation is? Zero. Zero. Clearly, this cube plus this cube plus this cube will be equal to 3 times this. Yes or no? Yes. जस्ट अभी बताया था 3 numbers का समेशन 0 है देन फर्स्ट क्यूब प्लस सेकंड क्यूब प्लस थर्ड क्यूब इज इक्वल टू 3 times फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड अपॉन ए माइनस बी बी माइनस सी एंड सी माइनस ए कैंसिल आंसर 3 आता है फाइनल आंसर इज 3 दिस इज द आंसर सर ये कैंसिल कैसे होता है सर अरे यार तुम ये बताओ 5 × 6 × 4 / 2 × 3 तो ये कैंसिल नहीं होता कैसे हाँ सर वो होगा पर सर इन द फर्स्ट this one that you showed, sir. The after solve that you have written. Suno. Ye bhi number hai na? Yes, this sir. And this same. Yes or no? Yes. Cancelled. Similar to this and this bhi same hai. Cancelled. Yes. Ye bhi same hai. Cancelled. Haan. But be careful. Suppose question is this. Okay. And if you cancel here, this is a blunder. A blunder है. यहाँ पे cancellation नहीं होता है. क्योंकि ये already summation में है terms. Okay. हाँ, multiplication में cancel करते हो आप. Summation में cancel नहीं करते हो. Clear? Yes. सुनो देखो इफ यू कैंसिल दीज टर्म्स लाइक 2 and 5 लेट्स से दिस इज 16 8 आंसर विल बी 2 + 8 व्हाट इज 2 + 8 10 बट द एक्चुअल आंसर इज 14 + 16 30 यस एंड 7 + 2 9 तो बेटा 30 अपॉन 9 इक्वल टू 3 हां क्लियर Yes. तो समेशन में कैंसिलेशन नहीं होता है हाँ सपोज मल्टीप्लीकेशन है देन विदाउट एनी प्रॉब्लम यू कैन कैंसिल दीज टर्म्स आंसर विल बी 16 एनी डाउट चलो एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तुम लोग काफी टायर्ड हो गए होंगे भी मुझे लग रहा है सर वी कैन सॉल्व सम मोर ओके गुड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ए टू द पावर 1/3 प्लस बी टू द पावर 1/3 प्लस सी टू द पावर 1/3 देन ए प्लस बी प्लस सी अपॉन क्यूब रूट ऑफ ए बी सी दिस इज क्यूब रूट दिस इज क्यूब रूट इक्वल्स टू दिस इज द क्वेश्चन फर्स्ट राइट आउट दिस क्वेश्चन देन इसको डिस्कस करते हैं सर क्यूब रूट ऑफ व्हाट
Just one minute. Cube root of ABC. Solution. Start करते हैं. Consider this as Viraj, okay? This is Tanuj and this is Rajvardhan. तो बेटा B plus T plus R कितना आ रहा है बोलो? Zero. Definitely Viraj cube, Tanuj cube, Rajvardhan cube will be three times. Viraj three into times, Tanuj into Rajvardhan. Now tell me what is cube of this? Or full A. Full A, exactly. So this is A, this is? B. This is? C. And three times, Viraj is this, Tanuj is this, and Rajvardhan is this. Yes. And this can be written as this, yes or no? Yes, 3ABC, okay. Yes. So clearly, A plus B plus C upon cube root of ABC is equal to? So, 1. अरे नहीं यार, 3 आंसर आएगा ना बेटे. Sorry, 3. Transposition, cross multiplication समझते हो ना आप लोग? Yes. हाँ, तो using cross multiplication, you can divide this term into this term. हो गया. So, final answer is? 3. Okay. ठीक है, आज इतना ही करता हूँ. हाँ बोलो. Sir, can you explain me that last step again? I didn't quite understand. This is step? Yes, sir. Yes. Tell me just one thing. AX is equal to B. X is equal to? AB. Sorry, B upon A. B upon A. Upon A. Done. Similar to this, if A plus B plus C is equal to 3 times this, so 3 is equal to A plus B plus C upon this, yes or no? Yes. Okay. Yes, sir. This came to this side. Yes, okay, sir. Huh. Okay. Yes. So, wait for me. ठीक है, ये आप नोट करो, आज इतना ही करते हैं. और तुम्हें आज मैं थोड़ा होमवर्क देता हूँ आज, ठीक है? ओके. अभी आप इस लेवल पे आ गए हो कि क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो. अभी Noted? Yes, sir. One second, sir. Sir, Bolo. Sir, where it is? What happened? There is my Anira. बेटा ये रहा ना, नहीं दिख रहा क्या? यस सर, अभी आया. इंटरनेट स्लो था. अच्छा, नो प्रॉब्लम. Rotate. Okay, noted.
यस सर. देखो ये शीट मैं अभी ग्रुप में सेंड करने वाला हूँ, दिख रहा है आपको मैथमेटिक्स प्रैक्टिस शीट? यस. हाँ तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है वो एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है. तो इसमें स्टार्टिंग में सॉल्व एग्जांपल्स हैं, सारे क्वेश्चन आप अभी ट्राई कर सकते हो. ठीक है ओके सर. तो स्टार्टिंग में सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करोगे, देन दिस इज द क्वेश्चन बैंक, दिख रहा है क्वेश्चन बैंक? हां. एंड यू हैव टू डू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20 एग्जैक्टली. और इसके बाद ये कुछ सॉल्यूशंस वगैरह है, तो तुम रेफर करना चाहो तो बाद में करना, जब अपने तरफ से पूरा ट्राई कर लो. एंड देन दिस इज सेल्फ असेसमेंट. ओके इसमें कितने क्वेश्चंस है? 10. टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए? 35. ये आपको ट्राई करने हैं. डन. और सॉल्व एग्जांपल्स कितने देखो? 12. टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए? 47. सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ओके ओके सर. तो सॉल्व करके आना, अच्छे से सॉल्व करना. ठीक है, और कोई डाउट है तो फिर हम डिस्कस करेंगे. यस सर. थैंक यू सर. बाय. सो सर इज दिस आवर होमवर्क? हां दिस इज होमवर्क एक्चुअली. ये मैं शीट जस्ट अभी पोस्ट करता हूं ग्रुप में. ओके यस सर. थैंक यू सर. बाय सर. ओके बेटे बाय. थैंक यू. बाय सर. बाय. बाय सर. थैंक यू सर. ओके बेटे. ओके.